नंबर सिस्टम RS अग्रवाल से पाठ 25 है, प्रश्न माला 1A का पहला प्रॉब्लम 86। यदि n एक प्राकृत संख्या हो, मीन्स नेचुरल नंबर, गिनती की संख्या, तथा 10 का पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 हो तो n का मान कितना होगा। प्रश्न को ठीक से समझो, दिया हुआ है कि क्या दिया है, तो 10 का पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 हो, यानी 10 का पावर n माइनस 1 के अंकों का योग, 10 का पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 कितना है, जहां पर n क्या है, n एक नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या है, जहां n बराबर नेचुरल नंबर यानी गिनती की संख्या, तो n यहां पर है नेचुरल नंबर, इसको हल करके कुछ न कुछ मिलेगा ना जी, तो इसको हल करके चाहे 2 अंकों की संख्या मिले, 3 अंकों की मिले, 4 अंकों की मिले, या 100 अंकों की मिले, तो इससे जो इसको हल करने पर जो अंक प्राप्त होगा उस अंकों का योग 4707 है, n का मान क्या लेंगे, नेचुरल नंबर, तो कहता है n का मान कितना होगा। तो देखो, अगर n बराबर 1 लें तो n नेचुरल नंबर है, गिनती की संख्या, मान लो n का मान हम 1 लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में 10 का पावर n माइनस 1 बराबर कितना होगा, 10 का पावर n का मान 1 लिए माइनस 1 बराबर 10 माइनस 1 न होगा। अगर n बराबर 2 हो तो 10 का पावर n माइनस 1 बराबर n का मान 2 लिए हैं, क्लियर है, n नेचुरल नंबर है, गिनती की संख्या, तो n का मान 2 लिए माइनस 1, तो 10 गुने 10 माइनस 1 यानी 100 माइनस 1 बराबर 99। अगर n बराबर 3 लें तो 10 का पावर n माइनस 1 कितना होगा, 10 का, तो n का मान 1 लेते हैं तो 10^n-1 इसका रिजल्ट 1 न आता है, सिंगल 1। n का मान 2 लेते हैं तो ऐसी स्थिति में 10^n-1 को हल करके 2 बार 9 आ रहा है ना। n का मान 3 लेते हैं तो इसको 10 का पावर n माइनस 1 को हल करके 3 बार 9 आ रहा है। अगर n का मान 4 लेते हैं तो इसको हल करके 4 बार 9 आ रहा है, इसका मतलब n का मान 50 लेंगे तो हल करके 50 बार 9 आएगा। बोलो, n का मान अगर 5 लेंगे तो 10 को 5 बार गुना करेंगे तो सीधे 100,000 हो जाता है, 100,000 में 1 घटाएंगे तो 99,999 यानी 5 बार 9 आएगा, कुछ निष्कर्ष निकल रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है 10^n-1 के अंकों का योग 4707 है, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो n का मान ज्ञात करना है, n का कौन सा मान रखा जाए ताकि इसको हल करके जो अंक प्राप्त होंगे उस अंकों का योग 4709 है। अगर मान लो हम n का मान यहाँ 2 रखते हैं
एन का मान एन बराबर दो, तो इसको एन दस का पावर एन माइनस वन को हल करके 99 आया ना। तो अब 99 यानी 99 में दो अंक है, एक बार 9 दो बार 9, तो 9 9 18 आया जोड़ करके। अंकों का योग 18 होता है, एन का मान 3 लेते हैं तो 10 का पावर एन माइनस वन को हल करके 3 बार 9 आया, यानी 1 2 3 9 3 बार प्राप्त हुआ। तो इसमें अंकों को जोड़ेंगे तो 9 9 18 9 27 होता है। तो प्रश्न में यही है, एन का कौन सा मान ले ताकि इसको हल करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसके अंकों का योग 4707 होगा। प्रश्न को समझी? तो एन का कितना जो भी मान लेते हैं फाइनल रिजल्ट हमें 9 के रूप में प्राप्त होता है। 9 का एन का मान 1 लिए तो 1 बार 9 आता है, एन का मान 2 लिए तो इसको हल करके 2 बार 9 आता है। मान लो हम एन का मान एक्स ले ले, जैसे एन का मान एक्स लेने का अर्थ ये हुआ एन का मान 2 लिए तो इसको हल करके 2 बार 9 आया, एन का मान 3 लिए तो इसको हल करके 3 9 प्राप्त हुआ है, 3 बार 9 आया। अगर एन का मान एक्स लेंगे तो ये 9 कितने बार आएगा, एक्स बार 9 आएगा, समझी बात। एन का मान 4 लिए तो इसको हल करके 4 बार 9 आया, एन का मान 60 लेंगे तो इसको हल करके 60 बार 9 आएगा। इसी तरह एन का मान अगर एक्स लेंगे तो 9 x बार 9 आएगा। हाँ योग पूछ रहा है ना, तो देखो ना, अगर एन का मान एक्स लें तो एक्स बार 9 आएगा। इस कैसे आएगा इसको समझी बोलो, तो एक्स बार 9 आएगा। अब देखो ध्यान से समझो, देखो इसमें कोई जान नहीं है लेकिन किस टाइप का थ्योरी तैयार हो रहा है, तो अभी तक जो बतलाए थ्योरी है, एक्स बार 9 आएगा। मान लो 1 बार 9 आएगा तो ऐसे लिखेंगे, 2 बार 9 आएगा तो ऐसे लिखेंगे, 3 बार 9 आएगा तो ऐसे लिखेंगे, 3 बार 4 बार 9 आया तो ऐसे लिखेंगे। इसमें कह रहा है दिया हुआ है कि इतना यानी इतना के अंकों का योग 4707 है। मान लो एन का मान हम 3 लिए तो 3 बार 9 आया, तो 3 बार 9 आया तो इसको देखो जोड़ेंगे तो 9 जोड़ 9 जोड़ 9 बराबर 27। 9 3 बार आया तो 3 बार जोड़ेंगे तो 27 होगा, और 3 बार आया 9 तो 9 को 3 से गुना कर दो तो 9 3 27 होगा। अगर 4 बार 9 आया तो अंकों का योग कितना होगा, तो 4 बार 9 को जोड़ेंगे यानी 1 2 3 4 तो 36 हुआ। तो 9 4 बार आया तो 9 को 4 से गुना कर दो, 36 हो गया। 9 अगर मान लो 5 बार आता है तो 9 को 5 बार जोड़ेंगे तो 5 बार जोड़ेंगे 9 9 18 9 27 9 36 9 45, तो 9 5 बार आया है तो इसको हम लोग 9 5 45 यानी 9 कितने बार आया, 5 बार, तो 9 × 5 45 होगा अंकों का जोड़। 9 आया 4 बार तो 4 बार जोड़ेंगे तो 36 होगा, तो 9 4 बार आया तो 9 × 4 कर दो 36। तो एक्स एक्स बार 9 आएगा। अगर एन का मान हम लोग एक्स लें तो पूरे को हल करेंगे तो एक्स बार 9 आएगा, आएगा ना। अगर एन का मान एक्स ले तो 10 का पावर एन माइनस 1 के हल से प्राप्त संख्या, हल करने पर जो प्राप्त संख्या होगा
10 का पावर n माइनस 1 के हल से प्राप्त संख्या में x बार 9 आएगा। बोलो समझी इसको। तो 5 बार आता है अगर 9, तो 5 बार इसको हल करके मान लो 5 बार 9 आता है तो हम लोग अंकों का योग यानी 9 को 5 बार जोड़ेंगे यानी 9 गुने 5 4 बार अगर आता है 9 तो 9 गुने 4 यहाँ x बार 9 आया मान लिए हैं n का मान x। तो इसका अर्थ है ऐसी स्थिति में अंकों का योग कितना होगा। अंकों का योग 5 बार आता तो 9 गुने 5 x बार आया तो 9 गुने x होगा। तो ऐसी स्थिति में अंकों का योग बराबर 9x होगा। बोलो x का मान अब जो भी देंगे तो जितना बार आया तो 9x होगा। x बार आया तो आ तो रहा है सिर्फ 9 करके, तो x बार 9 आया तो 9 से गुना कर देंगे यानी अंकों का योग हमें 9x प्राप्त हुआ। इसको हम लोग समीकरण एक मानेंगे और इसको समीकरण दो मानेंगे। 10^n-1 के अंकों का योग 47 और 7। हम लोग जब मान लिए हैं n x बार आया है तो इसको हल करने पर ऐसी स्थिति में अंकों का योग 9x आया। तो इसका मतलब समीकरण एक और दो से यही ना 9x है। तो लिख सकते हैं अब समीकरण एक एवं दो से 9x बराबर 47 और 7, इसीलिए x बराबर 47 और 7/9। 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 523। यानी n का मान x ले तो x का मान 523 निकला। यानी n का मान यहाँ अगर 523 लेते हैं तब हल करके जो रिजल्ट आएगा उसका आंसर होगा n का मान 523, x का मान यानी x बार 9 आएगा। n का मान x ले, n का मान x लिए है यानी n बराबर x, तो x का मान निकला है 523 यानी n बराबर x। तो यहाँ पर 523 आंसर होगा n का मान। अतः n बराबर 523 आंसर। बोलो तो इसको समझिए, कोई शंका नहीं है। संख्याओं 87 1, 2, 3, 4 से लेकर के 98, 99, 100 को परस्पर गुणा किया जाता है। गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यानी प्रश्न में कह रहा है एक से लेकर के प्रश्न से एक से लेकर के यानी लगातार गिनती की संख्या 1 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 98, 99, 100 एक से लगातार 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो कुछ न कुछ गुणनफल प्राप्त होगा। उस गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यानी प्रश्न से 1×2×3×4×... मान लो 98×99×100 में 100 के गुणनफल में इतना को जो गुणा करेंगे तो प्राप्त गुणनफल जो होगा तो इतना के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या = what क्या होगा। प्रश्न को समझी।
एक से लेकर के लगातार 100 तक को गुना किया जाए तो जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा उस रिजल्ट के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी इसको निकालना है। तो इससे पहले ये समझो, जैसे 2 और 5 गुणनफल में 2 और 5 अगर एक साथ है तो इसका रिजल्ट होता है 10, होता है ना। यानी 2 और 5 जैसे मान लो 1 × 2 × 3 × 4 इसमें 2 तो है लेकिन देखो 5 नहीं है, इसका अर्थ है इसके गुणनफल के अंत में शून्य आएगा ही नहीं। शून्य अंत में तब आता है जब गुणनखंड का एक अंक 2 हो और दूसरा अंक 5 हो। तो ऐसी स्थिति में गुणनफल जो प्राप्त होगा उसका अंतिम इकाई अंक 0 होगा। यहाँ पर 2 है, 5 नहीं है, तो गुना करेंगे तो 1 × 2 = 6 × 24 देखो इकाई अंक 0 नहीं है। अगर मान लो हम 5 से गुना कर दे तो अब देखो 0 का आना अंत में तय है। जैसे 2 × 6 = 24 × 5 = 120। इसको ठीक से याद रखना है। किसी भी संख्या के गुणनखंड में, यानी कोई भी संख्या के गुणनखंड में अगर एक गुणनखंड 2 आवे और दूसरा 5 आवे तो इसका अर्थ है उस संख्या का अंत वाला इकाई अंक 0 ही होगा। अगर 2 और 5 में से कोई एक है तब कोई आवश्यक, मतलब तब 2 आएगा ही नहीं, सॉरी 0 नहीं आएगा। मान लो चलो अब 2 को मिटा दे, देख लो तो 2 हटा दिए तो 3 × 12 = 60 आ गया। कहोगी जो इसमें कहाँ 2 है, तो 2 छिपा हुआ है यहाँ, है ना। 3 × 4 को लिखेंगे, 2 × 2 × 5 देखो 1 × 2 = 5 अगर नहीं आएगा किसी भी गुणनखंड में तो ऐसी स्थिति में सभी गुणनखंड को गुना करेंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगा इकाई अंक 0 नहीं होगा। लेकिन 1 × 2 और 1 × 5 आ जाए तो इस तरह के गुणनखंड का जो रिजल्ट आएगा तो इकाई अंक 0 होगा ही। इसमें तो 2 बार है, एक ही बार चाहिए, तो देख लो 3 × 2 = 6 × 5 = 30 0 आ गया। ये काम आएगा इसको समझने में। तो हम लोग पहले 1 × 2 × 3 × 2 × 4 × 5 = 10 तक ले, इसके अंत में कितना 0 आएगा तो देख लो इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2। इस 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं, तो 1 × 2 आया ही है तो इसको मान लो 1 × 2 × 3 फिर इसको 2 × 2 = 4 के लिए 5 इस तरह अंतिम में 10। 1 × 2 और 5 आ गया, इसका अर्थ है 2 × 5 = 10। यहीं तक अगर करें यहीं तक तो 10, यानी 1 बार 0 आएगा रिजल्ट। तो 5 × 10 × 20 = 60 × 120 आ रहा है, तो 120 आ रहा है तो 1 बार 0 आ रहा है यहीं तक 5 तक गुना में। फिर 6, 7, 8, 9 10 को छोड़कर 9 तक गुना करेंगे तो एक ही 0 आएगा, तय है। लेकिन यहाँ 10 से जो गुना है तो ये 0 एक ठो जुट जाएगा। तमाम के गुणनफल में 2 और 5 रहे तो इसके बदला इस 2 और 5 को हम लोग लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं जी। अगर हम लोग 9 तक लिखते हैं तब देखो
दो और पाँच एक बार आ गया है, तो दो और पाँच एक बार आ गया है, तो इसका मतलब इस तमाम गुणनफल में एक ही बार शून्य आएगा, दो बार नहीं आएगा। वो कैसे समझेंगे, तो दो और पाँच को छांट करके गुना करेंगे तो तीन चौका बारह, छः सत्ते बयालीस, दो और पाँच को हम छांट दिए हैं, आठ नमन बहत्तर। तो इकाई अंक अंत में शून्य आएगा, तो देखो दो दूनी चार दूनी आठ, इकाई अंक आठ आएगा, शून्य नहीं आया। जब ये हम लोग फिर दो और पाँच इसको गुना करने पर दस होगा, और देखो तीन चौका बारह होगा, दो पाँच को पहले गुना किए दस, तीन चौका बारह, छः सत्ते बयालीस, आठ नमें बहत्तर, इतना का गुना हो गया। इकाई अंक में देखो दो दूनी चार दूनी आठ, दस को छांट दे तो इकाई अंक इतना में आठ आ रहा है, लेकिन दस को गुना करेंगे तो दो दूनी चार दूनी आठ, आठ को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो। फिर पीछे आएगा इकाई अंक में एक शून्य का बात है जब नौ तक गुना करते हैं। अगर मान लो हम लोग फिर इसमें दस से गुना कर दे तो नौ तक तो ऑलरेडी एक शून्य आ ही रहा है, और दस से गुना करेंगे तो एक शून्य और आ जाएगा, आएगा हर हाल में आएगा। इसका मतलब है एक से लेकर के दस तक के गुणनफल में अंत में दो शून्य आएगा, निष्कर्ष ये है। एक शून्य ये दस के कारण होगा, किसी भी संख्या को हम लोग दस से गुना करें तो इकाई अंक शून्य होगा ही। इसका उदाहरण नहीं देना होगा, बावन को दस से गुना करें 520, इकाई अंक शून्य, किसी भी संख्या को। लेकिन इस दस के बदले तो एक शून्य आया, इससे पहले दो पंचे दस, यानी ये दस है तो दस दहिन एक सौ, तो एक सौ का अर्थ हुआ दो शून्य आ गया, है ना ऐसी बात। तो एक से लेकर के दस तक के गुणनफल में दो शून्य आता है। इसी तरह आ जाओ, दस तक हम लोग कर लिए, अब ग्यारह से लेकर के ग्यारह गुने बारह गुने तेरह गुने चौदह गुने पंद्रह डॉट 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 गुने बीस, बीस से पहले उन्नीस है ना, उसमें देखो तो दो और पाँच छिपा है, तो ये बारह को तोड़ेंगे तो दो गुने छः, पंद्रह को तोड़ेंगे तो तीन गुने पाँच, यानी दो और पाँच आ गया। इसका मतलब दो पंचे दस, एक शून्य आ गया, तो ये शून्य उन्नीस तक में अंतिम में एक शून्य होगा, और फिर बीस से गुना करेंगे तो इसके लिए एक शून्य होगा। यानी निष्कर्ष ये है 11 से 20 तक के गुणनफल में अंत में कितना शून्य आ रहा है, चार। 11 से 20 तक के गुणनफल में अंत में दो शून्य आ रहा है, इकाई अंक पर और दहाई अंक पर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, पीछे का क्या अंक आएगा इसको छोड़ो, लेकिन दो शून्य आएगा। ये कंसेप्ट हुआ क्लियर, हम एक से लेकर के दस तक लिए तब दो शून्य आ जाता है, एक से बीस तक में दो दो चार शून्य आएगा। इसी तरह इक्कीस से इक्कीस गुने बाईस गुने तेईस गुने चौबीस गुने पच्चीस गुने लास्ट में गुने तीस, इसमें कितना शून्य आएगा, तो देखो ये 22 है यानी दो गुने ग्यारह, ये 25 है तो पाँच गुने पाँच, एक बार पाँच और दो आ गया है, और ये 30 का ये अंत वाला शून्य, तो इसका मतलब ये दो और पाँच के लिए 10, एक शून्य ये,
एक शून्य ये, इसमें भी आएगा दो शून्य, बोलो कोई शंका हो तो पूछ सकते हो, नहीं ना। इसी तरह हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा ये 21 से 30 लिए हैं, अब 31 से लेकर के 40 तक के गुणनफल में एक 40 के इकाई अंक वाला शून्य, इससे पहले 32 जो हो गया, 32 के गुणनखंड में दो आ रहा है, और फिर 35 भी है ना, 31 गुने 32 गुने 33 गुने 34 गुने 35, तो 35 जो होगा तो ये तो 7 गुने 5 हो गया, यानी ये 2 पंचे 10, एक शून्य ये और एक शून्य ये, इन तमाम संख्याओं के गुणनफल में भी दो शून्य आएगा आएगा। इसमें कह रहा है 1 से 100 तक के गुणनफल में, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या निकाले, तो 1 से 10 तक दो शून्य आया, 11 से 20 तक में दो शून्य आया, फिर 21 से 30 तक में दो शून्य, 31 से 40 तक में दो शून्य, इसी तरह। हाँ अरे इसको तोड़ेंगे तो 20 गुने 2 होगा, यही ना, तो 21 शून्य न रहा, समझी बात। इसके बाद इसी तरह हम लोग लेंगे तो अब देखो 1 से 10 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितना, 2। 1 से 10 तक के गुणनफल में अंतिम में शून्यों की संख्या, 1 से 10 तक के गुणनफल में, 1 से 10 तक के गुणनफल के अंत में, के अंत में शून्यों की संख्या कितना, 2 होगा। फिर 11 से 20 तक के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 2 होगा। तो इसको हम मिटाने जा रहे हैं, एक क्रम से लिख रहे हैं, ये समझाने के लिए लिखे थे। निष्कर्ष ये है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 2 होगा, 11 से 20 तक के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 2, फिर 21 से 30 तक के गुणनफल की संख्या में शून्यों की संख्या 2, फिर आ जाओ 31 से 40 तक, इसमें भी 2, 41 से 50 तक में शून्यों की संख्या 2, फिर 51 से 60 तक में शून्यों की संख्या 2, 61 से 70 तक में शून्यों की संख्या 2, 71 से 80 तक में। तो n का मान 1 लेते हैं तो 10^(n-1) इसका रिजल्ट 1 आता है, सिंगल 1। n का मान 2 लेते हैं तो ऐसी स्थिति में 10^(n-1) को हल करके 2 बार 9 आ रहा है, आ रहा है ना। n का मान 3 लेते हैं तो इसको 10^(n-1) को हल करके 3 बार 9 आ रहा है, आ रहा है। अगर n का मान 4 लेते हैं तो इसको हल करके 4 बार 9 आ रहा है, इसका मतलब n का मान 50 लेंगे तो हल करके 50 बार 9 आएगा, बोलो। n का मान अगर 5 लेंगे तो 10 को 5 बार गुना करेंगे तो सीधे 100,000 हो जाता है, 100,000 में 1 घटाएंगे तो
99,999 यानी 5 बार 9 आएगा, कुछ निष्कर्ष निकल रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न में कह रहा है 10^n-1 के अंकों का योग 4707 है, जहाँ n क्या है, नेचुरल नंबर है। तो n का मान ज्ञात करना है, n का कौन सा मान रखा जाए ताकि इसको हल करके जो अंक प्राप्त होंगे उस अंकों का योग 4709 है। अगर मान लो हम n का मान यहाँ 2 रखते हैं, n का मान n बराबर 2, तो इसको 10^n-1 को हल करके 99 आया ना। तो अब 99 यानी 99 में 2 अंक है, 1 बार 9 2 बार 9, तो 9 9 18 आया जोड़ करके। अंकों का योग 18 होता है, n का मान 3 लेते हैं तो 10^n-1 को हल करके 3 बार 9 आया, यानी 1 2 3 9 3 बार प्राप्त हुआ। तो इसमें अंकों को जोड़ेंगे तो 9 9 18 9 27 होता है। तो प्रश्न में यही है n का कौन सा मान ले ताकि इसको हल करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगा उसके अंकों का योग 4707 होगा। प्रश्न को समझी? तो n का कितना जो भी मान लेते हैं फाइनल रिजल्ट हमें 9 के रूप में प्राप्त होता है। 9 का n का मान 1 लिए तो 1 बार 9 आता है, n का मान 2 लिए तो इसको हल करके 2 बार 9 आता है। मान लो हम n का मान x ले ले, जैसे n का मान x लेने का अर्थ ये हुआ n का मान 2 लिए तो इसको हल करके 2 बार 9 आया, n का मान 3 लिए तो इसको हल करके 3 9 प्राप्त हुआ है, 3 बार 9 आया। अगर n का मान x लेंगे तो ये 9 कितने बार आएगा, x बार 9 आएगा, समझी बात। n का मान 4 लिए तो इसको हल करके 4 बार 9 आया, n का मान 60 लेंगे तो इसको हल करके 60 बार 9 आएगा। इसी तरह n का मान अगर x लेंगे तो 9 x बार 9 आएगा। हाँ, योग पूछ रहा है ना, तो देखो ना, अगर n का मान x लें तो 9 आएगा। इस कैसे आएगा इसको समझी, बोलो। तो 9 आएगा। अब देखो, ध्यान से समझो, देखो इसमें कोई जान नहीं है लेकिन किस टाइप का थ्योरी तैयार हो रहा है। तो अभी तक जो बतलाए थ्योरी है, 9 आएगा। मान लो 1 बार 9 आएगा तो ऐसे लिखेंगे, 2 बार 9 आएगा तो ऐसे लिखेंगे, 3 बार 9 आएगा तो ऐसे लिखेंगे, 3 बार, 4 बार 9 आया तो ऐसे लिखेंगे। इसमें कह रहा है दिया हुआ है कि इतना यानी इतना के अंकों का योग 4707 है। मान लो n का मान हम 3 लिए तो 3 बार 9 आया, तो 3 बार 9 आया तो इसको देखो जोड़ेंगे तो 9 जोड़ 9 जोड़ 9 बराबर 27। 9 3 बार आया तो 3 बार जोड़ेंगे तो 27 होगा, और 3 बार आया 9 तो 9 को 3 से गुना कर दो तो 9 3 27 होगा। अगर 4 बार 9 आया तो अंकों का योग कितना होगा, तो 4 बार 9 को जोड़ेंगे यानी 1 2 3 4 तो 36 हुआ। तो 9 4 बार आया तो 9 को 4 से गुना कर दो, 36 हो गया। 9 अगर मान लो 5 बार आता है तो 9 को 5 बार जोड़ेंगे तो 5 बार जोड़ेंगे 9 9 18 9 27 9 36 9 45, तो 9 5 बार आया है तो इसको हम लोग 9 5 45 यानी 9 कितने बार आया, 5 बार, तो 9 × 5 45 होगा अंकों का जोड़। 9 आया 4 बार
तो चार बार जोड़ेंगे तो 36 होगा, तो 9 चार बार आया तो 9 गुने चार कर दो 36, तो x x बार 9 आएगा। अगर n का मान हम लोग x लें तो पूरे को हल करेंगे तो x बार 9 आएगा, आएगा ना। अगर n का मान x ले तो 10 का पावर n माइनस 1 के हल से प्राप्त संख्या, हल करने पर जो प्राप्त संख्या होगा 10 का पावर n माइनस 1 के हल से प्राप्त संख्या में x बार 9 आएगा। बोलो समझी इसको। तो 5 बार आता है अगर 9, तो 5 बार इसको हल करके मान लो 5 बार 9 आता है तो हम लोग अंकों का योग यानी 9 को 5 बार जोड़ेंगे यानी 9 गुने 5, 4 बार अगर आता है 9 तो 9 गुने 4, यहाँ x बार 9 आया, मान लिए हैं n का मान x, तो इसका अर्थ है ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में अंकों का योग कितना होगा। अंकों का योग 5 बार आता तो 9 गुने 5, x बार आया तो 9 गुने x होगा, तो ऐसी स्थिति में अंकों का योग बराबर 9x होगा। बोलो x का मान अब जो भी देंगे, तो जितना बार आया तो 9x होगा, x बार आया तो आ तो रहा है सिर्फ 9 करके, तो x बार 9 आया तो 9 से गुना कर देंगे यानी अंकों का योग हमें 9x प्राप्त हुआ। इसको हम लोग समीकरण एक मानेंगे और इसको समीकरण दो मानेंगे। 10 टू दी पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 47 और 7, हम लोग जब मान लिए हैं n x बार आया है तो इसको हल करने पर ऐसी स्थिति में अंकों का योग 9x आया, तो इसका मतलब समीकरण एक और दो से यही ना 9x है, तो लिख सकते हैं अब समीकरण एक एवं दो से 9x बराबर 47 07, इसीलिए x बराबर 47 07 बटा 9, 9 × 5 = 45, 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 523, यानी n का मान x ले तो x का मान 523 निकला, यानी n का मान यहाँ अगर 523 लेते हैं तब हल करके जो रिजल्ट आएगा उसका आंसर होगा n का मान 523, x का मान यानी x बार 9 आएगा, n का मान x ले, n का मान x लिए है यानी n बराबर x, तो x का मान निकला है 523 यानी n बराबर x, तो यहाँ पर 523 आंसर होगा n का मान, अतः n बराबर 523 आंसर। बोलो तो इसको समझी, कोई शंका नहीं है। संख्याओं 87 1 2 3 4 से लेकर के 98 99 100 को परस्पर गुणा किया जाता है, गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। यानी प्रश्न में कह रहा है एक से लेकर के, प्रश्न से एक से लेकर के यानी लगातार गिनती की संख्या 1 से लेकर के 1 2 3 4 98 99 100, एक से लगातार 100 तक की संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो कुछ न कुछ गुणनफल प्राप्त होगा, उस गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी।
यानी प्रश्न से एक गुने दो गुने तीन गुने चार गुने डॉट 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 गुने मान लो 98 गुने 99 गुने 100 में 100 के गुणनफल में इतना को जो गुना करेंगे तो प्राप्त गुणनफल जो होगा तो इतना के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या इक्वल टू व्हाट क्या होगा। प्रश्न को समझी, एक से लेकर के लगातार 100 तक को गुना किया जाए तो जो भी रिजल्ट प्राप्त होगा उस रिजल्ट के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी इसको निकालना है। तो इससे पहले ये समझो, जैसे 2 और 5 गुणनफल में 2 और 5 अगर एक साथ है तो इसका रिजल्ट होता है 10, होता है ना। यानी 2 और 5 जैसे मान लो 1 × 2 × 3 × 4 इसमें 2 तो है लेकिन देखो 5 नहीं है, इसका अर्थ है इसके गुणनफल के अंत में शून्य आएगा ही नहीं। शून्य अंत में तब आता है जब गुणनखंड का एक अंक 2 हो और दूसरा अंक 5 हो, तो ऐसी स्थिति में गुणनफल जो प्राप्त होगा उसका अंतिम इकाई अंक शून्य होगा। यहाँ पर 2 है 5 नहीं है तो गुना करेंगे तो 1 × 2 = 6 × 24 देखो इकाई अंक शून्य नहीं है। अगर मान लो हम 5 से गुना कर दे तो अब देखो शून्य का आना अंत में तय है, जैसे 2 × 6 = 24 × 5 = 120। इसको ठीक से याद रखना है, किसी भी संख्या के गुणनखंड में यानी कोई भी संख्या के गुणनखंड में अगर एक गुणनखंड 2 आवे और दूसरा 5 आवे तो इसका अर्थ है उस संख्या का अंत वाला इकाई अंक शून्य ही होगा। अगर 2 और 5 में से कोई एक है तब कोई आवश्यक मतलब तब 2 आएगा ही नहीं, सॉरी शून्य नहीं आएगा। मान लो चलो अब 2 को मिटा दे, देख लो तो 2 हटा दिए तो 3 × 12 = 60 आ गया। कहोगी जो इसमें कहाँ 2 है, तो 2 छिपा हुआ है यहाँ, है ना। 3 × 4 को लिखेंगे, 2 × 2 × 5 देखो 1 × 2 = 5 अगर नहीं आएगा किसी भी गुणनखंड में तो ऐसी स्थिति में सभी गुणनखंड को गुना करेंगे तो जो भी संख्या प्राप्त होगा इकाई अंक शून्य नहीं होगा। लेकिन 1 × 2 और 1 × 5 आ जाए तो इस तरह के गुणनखंड का जो रिजल्ट आएगा तो इकाई अंक शून्य होगा ही। इसमें तो 2 बार है, एक ही बार चाहिए, तो देख लो 3 × 6 = 30 शून्य आ गया। ये काम आएगा इसको समझने में। तो हम लोग पहले 1 × 2 × 3 × 4 × 5 = 10 तक ले, इसके अंत में कितना शून्य आएगा तो देख लो इस 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2, इस 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। तो 1 × 2 आया ही है तो इसको मान लो 1 × 2 × 3 फिर इसको 2 × 2 4 के लिए × 5 इस तरह अंतिम में 10। 1 × 2 और 5 आ गया, इसका अर्थ है 2 × 5 = 10। यहीं तक अगर करें यहीं तक
तो 10 यानी एक बार शून्य आएगा रिजल्ट, तो 5 दूनी 10 दूनी 20 या 60 दूनी 120 आ रहा है, तो 120 आ रहा है, तो एक बार शून्य आ रहा है यहीं तक 5 तक गुना में, फिर 6 7 8 9 10 को छोड़कर 9 तक गुना करेंगे तो एक ही शून्य आएगा, तय है। लेकिन यहाँ 10 से जो गुना है तो ये शून्य एक ठो जुट जाएगा। तमाम के गुणनफल में 2 और 5 रहे तो इसके बदला इस 2 और 5 को हम लोग लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं जी। अगर हम लोग 9 तक लिखते हैं तब देखो 2 और 5 एक बार आ गया है, तो 2 और 5 एक बार आ गया है तो इसका मतलब इस तमाम गुणनफल में एक ही बार शून्य आएगा, दो बार नहीं आएगा। वो कैसे समझेंगे, तो 2 और 5 को छांट करके गुना करेंगे तो 3 चौका 12, 6 7 42, 2 और 5 को हम छांट दिए हैं, 8 9 72, तो इकाई अंक अंत में शून्य आएगा। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, इकाई अंक 8 आएगा, शून्य नहीं आया। जब ये हम लोग फिर 2 और 5 इसको गुना करने पर 10 होगा, देखो 3 चौका 12 होगा, 2 5 को पहले गुना किए 10, 3 चौका 12, 6 7 42, 8 9 72, इतना का गुना हो गया। इकाई अंक में देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, 10 को छांट दे तो इकाई अंक इतना में 8 आ रहा है, लेकिन 10 को गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 को 0 से गुना करेंगे तो 0, फिर पीछे आएगा इकाई अंक में एक शून्य का आता है जब 9 तक गुना करते हैं। अगर मान लो हम लोग फिर इसमें 10 से गुना कर दे तो 9 तक तो ऑलरेडी एक शून्य आ ही रहा है, और 10 से गुना करेंगे तो एक शून्य और आ जाएगा, आएगा हर हाल में आएगा। इसका मतलब है 1 से लेकर के 10 तक के गुणनफल में अंत में 2 शून्य आएगा, निष्कर्ष ये है। 1 शून्य ये 10 के कारण होगा। किसी भी संख्या को हम लोग 10 से गुना करें तो इकाई अंक शून्य होगा ही। इसका उदाहरण नहीं देना होगा, 52 को 10 से गुना करें 520, इकाई अंक शून्य किसी भी संख्या को। लेकिन इस 10 के बदले तो 1 शून्य आया, इससे पहले 2 5 10 यानी ये 10 है तो 10 दहिन 100, तो 100 का अर्थ हुआ 2 शून्य आ गया, है ना ऐसी बात। तो 1 से लेकर के 10 तक के गुणनफल में 2 शून्य आता है। इसी तरह आ जाओ 10 तक हम लोग कर लिए, अब 11 से लेकर के 11 गुने 12 गुने 13 गुने 14 गुने 15 .. 20 20 से पहले 19 है ना, उसमें देखो तो 2 और 5 छिपा है, तो ये 12 को तोड़ेंगे तो 2 गुने 6, 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुने 5, यानी 2 और 5 आ गया। इसका मतलब 2 5 10, 1 शून्य आ गया। तो ये शून्य 19 तक में अंतिम में 1 शून्य होगा, और फिर 20 से गुना करेंगे तो इसके लिए 1 शून्य होगा। यानी निष्कर्ष ये है 11 से 20 तक के गुणनफल में अंत में कितना शून्य आ रहा है, 4। 11 से 20 तक के गुणनफल में अंत में 2 शून्य आ रहा है इकाई अंक पर और दहाई अंक पर, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, पीछे का क्या अंक आएगा उसको छोड़ो लेकिन 2 शून्य आएगा। ये कंसेप्ट हुआ क्लियर, हम 1 से लेकर के 10 तक लिए तब 2 शून्य आ जाता है, 1 से 20 तक में 2 2 4 शून्य आएगा,
इसी तरह 21 से 21 गुने 22 गुने 23 गुने 24 गुने 25 गुने लास्ट में गुने 30, इसमें कितना शून्य आएगा? तो देखो ये 22 है यानी 2 गुने 11, ये 25 है तो 5 गुने 5, एक बार 5 और 2 आ गया है, और ये 30 का ये अंत वाला शून्य, तो इसका मतलब ये 2 और 5 के लिए 10, एक शून्य ये एक शून्य ये, इसमें भी आएगा 2 शून्य। बोलो कोई शंका हो तो पूछ सकते हो, नहीं ना? इसी तरह हम लोग आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो पता चलेगा ये 21 से 30 लिए हैं, अब 31 से लेकर के 40 तक के गुणनफल में एक 40 के इकाई अंक वाला शून्य, इससे पहले ये 32 जो हो गया, 32 के गुणनखंड में 2 आ रहा है, और फिर 35 भी है ना, 31 गुने 32 गुने 33 गुने 34 गुने 35, तो 35 जो होगा तो ये तो 7 गुने 5 हो गया, यानी ये 2 पंचे 10, एक शून्य ये और एक शून्य ये, इन तमाम संख्याओं के गुणनफल में भी 2 शून्य आएगा आएगा। इसमें कह रहा है 1 से 100 तक के गुणनफल में, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या निकाले, तो 1 से 10 तक 2 शून्य आया, 11 से 20 तक में 2 शून्य आया, फिर 21 से 30 तक में 2 शून्य, 31 से 40 तक में 2 शून्य, इसी तरह हाँ अरे इसको तोड़ेंगे तो 20 गुने 2 होगा, यही ना? तो 21 शून्य न रहा, समझी बात? इसके बाद इसी तरह हम लोग लेंगे तो अब देखो 1 से 10 तक के गुणनफल में शून्यों की संख्या कितना? 2। 1 से 10 तक के गुणनफल में अंतिम में शून्यों की संख्या, 1 से 10 तक के गुणनफल में, 1 से 10 तक के गुणनफल के अंत में, के अंत में शून्यों की संख्या कितना? 2 होगा। फिर 11 से 20 तक के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 2 होगा। तो इसको हम मिटाने जा रहे हैं, एक क्रम से लिख रहे हैं, ये समझाने के लिए लिखे थे। निष्कर्ष ये है 1 से 10 तक, 1 से 10 तक के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 2 होगा। 11 से 20 तक के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या 2। फिर 21 से 30 तक के गुणनफल की संख्या में शून्यों की संख्या 2। फिर आ जाओ 31 से 40 तक, इसमें भी 2। 41 से 50 तक में शून्यों की संख्या 2। फिर 51 से 60 तक में शून्यों की संख्या 2। 61 से 70 तक में शून्यों की संख्या 2। 71 से 80 तक में, 71 से 80 तक में शून्यों की संख्या 2 होगा। इसी तरह 81 से 90 तक में शून्यों की संख्या 2।
लेकिन 91 से 100 तक में शून्यों की संख्या 3 होगा। कैसे होगा? तो मान लो 91 × 92 लास्ट में गुने 100, तो 92 का हो गया 46 × 92 2 आ गया। अब 95 के लिए होगा 19 × 5 95 5 आया, तो 2 × 5 = 10 10, अंत में 100 का 2 0 तो 1 + 2 = 3। तो 91 से 100 तक में शून्यों की संख्या 3। अब सबको जोड़ो तो 21 आंसर आएगा। समझे इसको? तो 91 से 100 तक में मात्र 3, इसीलिए 91 को 100 से गुना करेंगे तो 2 0, और 91 100 के बीच में 2 ऐसी संख्या है, 1 92 और दूसरा 95, तो 5 × 2 = 10 इकाई अंक में 10 आया। मान लो 91 को 100 से गुना करो तो ये 2 0, तो टोटल 3 0 होगा। अब टोटल को जोड़ेंगे तो 21 होता है, यानी 1 से लेकर 100 तक के गुणनफल में, गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितना? 21। कैसे हुआ, समझ गई? पाठ लंबा हो जाएगा, इतना ही तक रहने दो।